गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जो चैप्टर हमने स्टार्ट गुड किया था, दैट इज द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से एविडेंसेस हैं जिससे प्रूव होता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे है। तो इसमें देखेंगे सम इम्पोर्टेंट एविडेंसेस आर, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हैं। पहला है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ये कहता है कि सिंपलर ऑर्गेन से ही आगे चल करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो है, यानी जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी दैट मीन्स होता है जीवाश्म विज्ञान, दैट मीन स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की जो स्टडी होती है वही कहलाता है पैलेंटोलॉजी। तो जो फॉसिल हमको मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उनके बेसिस पे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को, या क्या सबूत मिलते हैं हमको उससे। तो देखेंगे द स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज द पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स टेकन फ्रॉम द फॉसिल आर फोसोलियम से टर्म से लिया गया है ये। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी दैट इज लियोनार्ड डा विंसी एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी दैट इज जॉर्ज क्यूवियर। अगला अंडरलाइन कर लीजिएगा, बीरबल साहनी इज फेमस फॉर द इंडियन पैलेंटोलॉजी। साइंटिस्ट थे बीरबल साहनी, ये इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट थे, इंडिया मतलब भारतीय जीवाश्म विज्ञानी थे ये। टू ब्रांचेज ऑफ पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं। पहला है पैलियोबॉटनी और दूसरा है पैलियोजुलॉजी। दैट मीन्स पैलियोबॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल, जो प्लांट के फॉसिल हमको मिलते हैं उसकी स्टडी पैलियोबॉटनी कहलाता है। एंड पैलियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल। डेफिनेशन ऑफ फॉसिल वाज गिवन बाय द चार्ल्स लेल, अंडरलाइन कर लेंगे। दैट इज फॉसिल क्या होता है, फॉसिल इज द इम्प्रेशन ऑफ पास्ट फाउंड इन द रॉक कॉल्ड द फॉसिल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले पाए जाते थे, पास्ट में प्रेजेंट थे, बट उनके प्रेजेंट टाइम में सिर्फ उनके अवशेष मिलते हैं, दैट इज हार्ड पार्ट बॉडी के जो है वही मिलते हैं हमको रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर, तो उनको हम फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। देखिए, ये जो फॉसिल होता है ये सबसे बेहतर एविडेंस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, क्योंकि अगर फॉसिल आपको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है पहले एग्जिस्ट करता था, वो ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट करता था तभी हम उसके बारे में आज स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज जो कई सारे थियोरीज हैं जिनके जिनमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो उसको मानना उतना अच्छा नहीं होता है जितना जो है जब जो हमको फॉसिल से एविडेंस मिलते हैं। तो जो फॉसिल एविडेंस है इसको ज्यादा करेक्ट माना जाता है इन सपोर्ट टू द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। टाइप ऑफ फॉसिल देखेंगे, पहला है अनअल्टर्ड फॉसिल। इन दिस टाइप ऑफ होल बॉडी ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म आर फाउंड फ्रोजन इन आइस एट द पोलर रीजन। जैसे पहला है अनअल्टर्ड फॉसिल, अनअल्टर्ड का मतलब बिना परिवर्तन के जो फॉसिल पाया जाता है, मतलब जो पास्ट में ऑर्गेनिज्म पाया जाता था वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एज इट होल, मतलब उसकी पूरी की पूरी बॉडी हमको एज अ फॉसिल मिल जाती है। तो ऐसा फॉसिल हमको बर्फ के अंदर दबा हुआ मिलता है, फ्रोजन आइस के अंदर पोलर रीजन पे दबा हुआ मिलता है। तो देखेंगे वोली मैमथ, मैमथ जो है एलिफेंट के जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म थे, उनका साइज एलिफेंट से भी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। बॉडी जो है हेयर से कवर हुआ रहता था, टस्क जो है यानी दांत जो होते थे वो हाथी से भी ज्यादा लंबे होते थे और मुड़े हुए होते थे। तो ये मैमथ जो है ये आज से लगभग 25,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनके फॉसिल अभी भी हमको साइबेरियन रीजन से मिलते हैं। तो देखेंगे 25 ईयर्स बिफोर
एक्सटिंक्ट फॉसिल वर फाउंड फ्रॉम द साइबेरियन रीजन। अगला देखेंगे पेट्रीफाइड फॉसिल, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट बाय द मिनरल डिपोजिशन इज कॉल्ड द पेट्रीफाइड फॉसिल। मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी जगह रिप्लेस करके मिनरल मैटर डिपॉजिट हो जाए। दीज फॉसिल कंसिस्ट ऑफ ओनली द हार्ड पार्ट। एग्जाम्पल, जैसे इन फॉसिल्स के हमको क्या मिलते हैं, बोन्स, टीथ, सेल, वुड एटसेट्रा ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमन बॉडी फर्स्ट फॉसिलाइजेशन अकर्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट है आपका मोल्ड फॉसिल। हियर नो पार्ट ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का कोई भी ओरिजिनल पार्ट हमको एज अ फॉसिल नहीं मिलता है। ओनली एन इम्प्रेशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज प्रिजर्व इन द वेट सॉइल। तो इसमें हमको क्या मिलता है, उस ऑर्गेनिज्म की सिर्फ एक इम्प्रेशन यानी छाप मिलती है, एक डिजाइन मिलता है वेट सॉइल के अंदर। नेक्स्ट है कास्ट फॉसिल। सम टाइम मिनरल्स फिल इन टू द मोल्ड। इसमें कभी कभी जो ढांचा होता है उसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन कास्ट फॉसिल। प्रिंट फॉसिल देखेंगे, फुटप्रिंट और प्रिंट ऑफ विंग्स, स्किन, लीव्स, स्टेम एटसेट्रा मेड इन द सॉफ्ट मड विच सबसिक्वेंटली बिकम फॉसिलाइज्ड आर कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल। तो प्रिंट फॉसिल जो होता है उसमें ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट्स, विंग्स या लीव्स, स्टेम एटसेट्रा, इनके सिर्फ इंप्रेशन यानी छाप मिलती है तो उसको हम प्रिंट फॉसिल बोलते हैं। नेक्स्ट इज कप्रोलाइट। दीज फॉसिल्स इंक्लूड द फॉसिल प्रिजर्वेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन आर एक्सक्रीटा ऑफ मेनी एंशियंट एनिमल इंक्लूडिंग द इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली द रेप्टाइल्स और फिशेस। इसमें उसके पार्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट को प्रिजर्व करके या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है डिपॉजिटेड फॉर्म में मिलता है। बाय स्टडिंग फॉसिल्स फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आर एविडेंट। तो फॉसिल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हम आगे पढ़ करके ये बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एविडेंस है, सबूत है। फॉसिल फाउंड इन द ओल्डर रॉक्स आर सिंपलर टाइप एंड दोज फाउंड इन द न्यूअर रॉक्स आर कॉम्प्लेक्स टाइप। अब देखिएगा, जैसा कि जब प्रेसिपिटेशन होता है तो सबसे पहले चट्टान की एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, तीसरी लेयर बनी, ऐसे ही जो है पीडोजेनेसिस के दौरान जो है अर्थ के सरफेस पर लेयर बाय लेयर बनता गया। तो जो सबसे नीचे की तरफ ऑर्गेनिज्म मिलेगा आपको वो सिंपलर टाइप का होगा, और जो ऊपरी परत में मिलेगा आपको वो कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नीचे फॉसिल प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा वो एंशियंट माना जाएगा, उतना ही ज्यादा पुराना होगा। तो जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही सिंपलर होगा, और जितना ही अपर सरफेस में फॉसिल मिलता है, पाया जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉसिल होता है, यानी न्यूअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिसेंट के पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म। द बिगनिंग ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटोजुवंस वर फॉर्म फ्रॉम विच मल्टीसेलुलर एनिमल्स इवॉल्व। तो शुरुआत जो हुई थी वो यूनिसेलुलर प्रोटोजुवंस से हुई थी, और बाद में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और मल्टीसेलुलर एनिमल्स इवॉल्व हुए। सम फॉसिल रिप्रेजेंट्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू ग्रुप। कुछ फॉसिल जो है वो कनेक्टिंग लिंक भी शो करते हैं दो ग्रुप के बीच में। तो कुछ कनेक्टिंग लिंक अभी आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। कनेक्टिंग लिंक कहने का मतलब होता है जो दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आपस में क्या करता हो, कोरिलेट करता हो यानी जोड़ता हो, यानी दोनों ग्रुप के कैरेक्टर को रखता हो, जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकें कि
किस तरह के ऑर्गन से या किस ग्रुप ऑफ कैटेगरी के एनिमल्स से जो है आगे चल करके हायर कैटेगरी एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ है। टॉपिक है डेटिंग ऑफ फॉसिल, द क्लॉक ऑफ द रॉक। मतलब डेटिंग ऑफ फॉसिल मतलब फॉसिल जो है अवशेष कितना पुराना है इसका पता हम कैसे लगाएंगे। द फॉसिल्स गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म व्हिच एग्जिस्टेड इन द पास्ट। तो फॉसिल जो है इससे हमको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, कि पहले जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे उनके अंदर क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो जो पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके फॉसिल से हम प्रेजेंट टाइम के ऑर्गेनिज्म का कंपेयर करके हम डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली द करेक्ट एज ऑफ द फॉसिल कैन बी डिटरमाइंड। तो इस मेथड के द्वारा जो है हम फॉसिल का करेक्ट एज डिटरमाइन कर सकते हैं। मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट एज ऑफ द फॉसिल बाय डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द रॉक्स वेयर द फॉसिल आर फाउंड। तो सबसे आसान तरीका यह है कि जो चट्टान की लेयर है उस चट्टान की लेयर में उस चट्टान की एज को आप पता लगा लीजिए, तो उस रीजन में पाए जाने वाले जो फॉसिल होंगे उनकी एज लगभग उतनी ही साल पुरानी होगी। रॉक हैव बीन फाउंड टू कंटेन सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच लूज दियर रेडियो एक्टिविटी एंड चेंजेज इन टू अदर नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एट अ फिक्स्ड रेट इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रिवेलिंग एट अ डिफरेंट टाइम। देखिए किसी भी रॉक का जो पता हम लगाते हैं तो उसके अंदर मिनरल पाए जाते हैं। मिनरल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कई सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, धीरे धीरे वो क्या होते हैं एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफ द रेट ऑफ दिस लॉस ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन द रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन अ गिवन रॉक विल बी इनेबल टू फाइंड आउट द एज ऑफ रॉक। तो उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मदद से हम उस रॉक की एज का पता लगा लेते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका एक हाफ लाइफ टाइम होता है, यह वह टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा बचा रह जाता है, तो उसको हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट डेटिंग। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग बोलते हैं। दिस विल बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द फोर डिफरेंट मेथड। चार डिफरेंट मेथड हैं पता लगाने के। पहला है लेड मेथड, दूसरा है रेडियो कार्बन मेथड है, तीसरा है पोटेशियम आर्गन मेथड है, और चौथा है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड या ESR मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा एक सेपरेट टॉपिक में, क्योंकि तो इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यहाँ देखिएगा कुछ फॉसिल पार्क दिए गए हैं इंडिया में, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है, 50 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल फॉरेस्ट प्रिजर्व्ड इन द मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, एंड 100 मिलियन ईयर ओल्ड द फॉसिल फॉरेस्ट इन राजमहल हिल्स बिहार में सिचुएटेड है, एंड 260 मिलियन ईयर ओल्ड गोल फॉर्मिंग फॉरेस्ट इन उड़ीसा। अभी तक तो आपने पढ़ा कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, मतलब जीवाश्म विज्ञान से हमको क्या प्रूफ मिलता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे हुआ था। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है, एंड एनाटॉमी दैट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज द एनाटॉमी। देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट शोज डिसिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर बट इन सम कैरेक्टर दे शो सिमिलरिटीज, दीज सिमिलरिटीज आर ऑफ टू टाइप। तो ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिसिमिलरिटी शो करते हैं स्ट्रक्चर में, कैरेक्टर में, एक्सेट्रा में, बट कुछ सिमिलरिटी भी शो करते हैं। तो ये दो तरह की सिमिलरिटी होती है, पहला होती है होमोलॉजी और दूसरा होता है एनालॉजी। होमोलॉजी में देखेंगे द सिमिलरिटी बेस्ड ऑन द कॉमन ओरिजिन, सिमिलर बेसिक प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड द होमोलॉजी। दैट मीन्स सेम ओरिजिन अगर हो, उत्पत्ति सेम हो, तो वो होमोलॉगस कहलाते हैं। सिमिलरिटी इन अपियरेंस एंड फंक्शंस नॉट नेसेसरी। तो जो सिमिलरिटी जो है अपियरेंस में और फंक्शन में हो, वो जरूरी नहीं है कि दोनों ऑर्गेनिज्म का सेम हो। द ऑर्गेन विच हैव कॉमन ओरिजिन, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड द होमोलॉगस ऑर्गेन। मतलब ऐसे ऑर्गेन जिनकी उत्पत्ति सेम हो, कॉमन ओरिजिन के हो, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हो वो सिमिलर हो, एंड सेम बेसिक स्ट्रक्चर हो बट डिफरेंट फंक्शन हो, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोलॉगस कहलाते हैं। होमोलॉगस टर्म गिवन बाय द रिचर्ड ओवन। एग्जाम्पल देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन के, तो
देखे एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गेन आपको दिया गया है थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये दोनों की ओरिजिन सेम है। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, तो इन दोनों की ओरिजिन जो है वो कैसी है, सेम है। इन दोनों की ओरिजिन जो है वो किससे हो रही है, एक्जिलरी बर्ड से हो रही है। किससे हो रही है, एक्जिलरी बर्ड से हो रही है। ओके ऐसे ही देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गेन, तो पहला प्लांट में हो गया, प्लांट्स में आपको मिल गया क्या, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये एग्जाम्पल हो गए। तो इन दोनों की ओरिजिन किससे है, टेंड्रिल्स एक्जिलरी बर्ड से ये दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। थॉर्न जो है प्रोटेक्शन के लिए होता है और टेंड्रिल्स जो होते हैं, टेंड्रिल्स मतलब जो पेड़ होता है, यहाँ एक्जिलरी बर्ड से ऐसे ही स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, तो ये टेंड्रिल्स जो होते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं, और जबकि थॉर्न यानी कांटे जो होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अगला होमोलॉगस एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए अगला होमोलॉगस एग्जाम्पल है मैमल्स के फोर लिम, फोर लिम ऑफ मैमल्स। तो इसमें देखेंगे जो मैन का फोर लिम होता है, मैमल में मैन भी आता है, चीता भी मैमल है, वेल भी मैमल है और बैट भी मैमल है। तो यहाँ देखेंगे जो मैन का फोर लिम होता है यानी अगले हाथ होते हैं, दैट इज एडॉप्टेड फॉर द कैप्चरिंग थिंग्स, चीजों को पकड़ने के लिए होता है, जबकि चीता का जो होता है फोर लिम रनिंग के लिए होता है, वेल का जो होता है वो फ्लिपर में मॉडिफाई हो जाता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, और बैट यानी चमगादड़ का जो होता है वो पटेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फ्लाई करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया कैप्चरिंग द थिंग्स, चीजों को पकड़ने के लिए, चीता का किसके लिए हो गया, रनिंग के लिए हो गया, वेल का जो हो गया वो किसके लिए हो गया, स्विमिंग के लिए हो गया, और बैट यानी चमगादड़ का ये उड़ने के लिए हो गया। तो सब के सब मैमल ही हैं, इनका जो ओरिजिन होगा, ऑर्गेन की जो ओरिजिन होगी वो सिमिलर होगी, स्ट्रक्चर जो होगा वो सिमिलर होगा, बट इनका फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंट होता है। देखिएगा फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, हॉर्स फुट कहलाता है, रनिंग के लिए आता है, बैट विंग्स है फ्लाई करने के लिए, वेल पैडल है स्विमिंग के लिए, सील फ्लिपर है स्विमिंग के लिए, मैन है हैंड है होल्डिंग के लिए यानी चीजों को पकड़ने के लिए। इन दियर फोर लिम्स सिमिलर बोन्स आर प्रेजेंट लाइक द ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड फाइलेंजेस। तो इन सभी मैमल्स के जो बोन्स हैं वो सिमिलर ही पाए जाते हैं, जैसे कि ऊपर में जो बोन होता है दैट इज ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद होता है रेडियस एंड अल्ना, अल्ना के बाद होता है मेटाकार्पेल, सॉरी कार्पेल, कार्पेल के बाद होता है मेटाकार्पेल, मेटाकार्पल के बाद जो होती हैं वो फाइलेंजेज होती हैं।
इन सभी ऑर्गेन्स के जो फोर लिम्स हैं, इनमें बोन्स जो है वो आपकी सिमिलर होंगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड फेलेंजियस, यानी उंगलियां। अगला देखेंगे लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, जैसे कॉकरोच एंड हनी बी, दोनों इंसेक्ट हैं, ओरिजिन सेम होगी लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। कॉकरोच का जो लेग होता है दैट इज फॉर द वॉकिंग, चलने के लिए होता है, जबकि हनी बी का जो होता है, हनी बी का होता है कलेक्टिंग या कलेक्शन ऑफ पॉलेंस, पॉलन को इकट्ठा करने के लिए होता है। बट इन बोथ सेगमेंट्स लेग्स आर प्रेजेंट आर बोथ सेगमेंट लेग्स आर प्रेजेंट आर सेम लाइक द कॉग्जा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड 1 to 5 ज्वाइंट टार्सेस। जैसे काकरोच या हनी बी का जो स्ट्रक्चर देखते हैं लेग का, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है कॉग्जा, फिर होता है आपका ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर के बाद होता है फीमर, फीमर के बाद होता है टिबिया, टिबिया के बाद होता है 1 to 5 ज्वाइंट टार्सेस, तो ये होता है कंप्लीट हनी बी या काकरोच का लेग। तो जो कॉकरोच का लेग होता है वो मॉडिफाइड होता है आपका वॉकिंग के लिए, और जबकि हनी बी का जो लेग होता है दैट इज मॉडिफाइड फॉर द कलेक्टिंग पॉलन ग्रेन्स। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट देखेंगे, जैसे कॉकरोच है, हनी बी है एंड मॉस्क्यूटो है, तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी एक ही फाइलम से आर्थ्रोपोडा से, क्लास इंसेक्टा है इन सभी का। उनके माउथ पार्ट में डिफरेंसेस क्या है, काकरोच का जो माउथ पार्ट होता है ये बाइटिंग एंड चीविंग टाइप होता है, मतलब काटने के लिए और चबाने के लिए मॉडिफाइड होता है। हनी बी का चीविंग एंड लैपिंग टाइप, एंड मॉस्क्यूटो का पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। इन ईच ऑफ दीज इंसेक्ट्स द माउथ पार्ट कंप्राइजेज द लेब्रम, मैंडिबल एंड मैगजिला। तो लेब्रम, मैगजिला और मैंडिबल से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, होमोलॉजी इज आल्सो सीन इन द स्केलेटन। इसके अलावा होमोलॉजी कहाँ देखने के लिए मिलता है, स्केलेटन, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट। ओरिजिन सिमिलर होती है बट फंक्शन क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है। जैसे किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, किसी में 3 चैम्बर्ड है, किसी में 3.5 है, किसी में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ओरिजिन सबकी सेम है बट जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। थॉर्ना, बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा मॉडिफाई मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिलरी बड। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा ये मॉडिफिकेशन होते हैं एक्जिलरी बड के, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और दूसरा क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। विंग्स ऑफ स्पैरो एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेस। तो विंग्स स्पैरो की और पेक्टोरल फिन जो हो गया फिशेस का, ओरिजिन सिमिलर है, फंक्शन डिफरेंट है। हाइंड लिम्ब ऑफ मैमल्स, पोटैटो एंड जिंजर, रेडिश एंड कैरेट। होमोलॉजी इज आल्सो सीन ऑलमोस्ट द मॉलिक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड द मॉलिकुलर होमोलॉजी। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है सिमिलरिटी शो कर रहा है तो उसको हम मॉलिकुलर होमोलॉजी बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड ऑफ मैन एंड एप आर सिमिलर, तो जो हमारा ब्लड प्रोटीन होता है और एप का जो ब्लड प्रोटीन होता है दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है, तो मॉलिकुलर होमोलॉजी वहां पे देखने के लिए मिलती है। टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल डेवलप फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू, तो मेल टेस्टिस और फीमेल ओवरी का फॉर्मेशन सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, एक का फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा का फंक्शन है ओजेनेसिस। नेक्स्ट, पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर ऑफ सील्स, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन दैट इज बर्ड एंड डॉल्फिन दैट इज मैमल, दोनों का सिमिलर ओरिजिन है लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या इसे को बोलते हैं एडाप्टिव डाइवर्जेंस या एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगला क्लास होगा डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ठीक है, फिर हम डाइवर्जेंट में एनालॉजी भी पढ़ेंगे।